हेलो गाइस, वेलकम हूँ राजधानी फोंडा। मैं महेंद्र कुमार फिर से स्वागत करता हूँ राजधानी परिवार में। आइए, आपके नए सेशन में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज केमिकल इक्विलिब्रियम की। सभी का राजधानी परिवार में स्वागत है। क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, वॉइस वगैरह क्लियर है तो कमेंट कीजिए जल्दी से। जय राजधानी सभी को बेटा, सभी को जय राजधानी, सभी को गुड इवनिंग। यस बेटा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। गुड इवनिंग सभी को बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्लास को शेयर कर दो बेटा, क्लास को शेयर कर दो। चिंटू बेटा नमस्ते, एग्रीकल्चर गुड इवनिंग। राकेश गुड इवनिंग बेटा। वैभव ये कौन है? अनुभव चांदव परमार गुड इवनिंग बेटा। सभी गुड इवनिंग, क्लास को शेयर करो जल्दी से जल्दी आप लोग। यस बेटा, वापस स्टार्ट हो चुकी है और क्लास चलेगी अब आपके एग्जाम तक नॉन स्टॉप। चलिए, यस बेटा, लास्ट क्लास अपन छोड़ के गए थे केमिकल इक्विलिब्रियम पर। केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस हो चुके थे, कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए थे। टॉपिक्स वाइज ही आपका आपके एमसीक्यू चल रहा है, पता है आपको। पूरा चैप्टर क्लियर कर रहे हैं अपन टॉपिक के हिसाब से ही। हाँ दिनेश गुड इवनिंग बेटा। हाँ फ्री क्लास है ये, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री क्लास है ये। यूट्यूब पर फ्री क्लास है, डेली चलेगी जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक चलेगी। पहले भी चल रही है लगभग। मैंने कितने सारे चैप्टर मैंने क्लियर करवा दिए हैं और बाकी रिमेनिंग चैप्टर हम क्लियर करेंगे, ठीक है। रिवाइज करते रहेंगे सभी को। हाँ इसी टाइम होगी, अगर चेंज होगा तो बता दूंगा मैं। लगभग इसी टाइम होगी, 6:15 बजे क्लास रहेगी डेली। 6:15 बजे क्लास रहेगी डेली, सभी डेली आएंगे, ठीक है बेटा। कर दो क्लास को लाइक। ओके वेलकम बेटा। चलिए, और गुड न्यूज आपको बता दूं, जो बैच चल रहे हैं क्रेस कोर्स के, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड बैच में बता नहीं पाया, मैं प्रेजेंट नहीं था, जयपुर था इस वजह से, ठीक। बाकी बैच स्टार्ट हो चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो 28, 29 और 30 को स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये बैच स्टार्ट हो चुके हैं। फोर्थ बैच स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। कोई ज्वाइन करना चाहता वो कर सकता है। 1 अप्रैल से फोर्थ बैच स्टार्ट होने वाला है। कहाँ कहाँ स्टार्ट होने वाले, सभी जगह स्टार्ट होंगे, देख लीजिए आप प्लेस कौन कौन से वहां पे, ठीक है। आप पचकोड़ी एडमिशन लेना चाहते हो वहां ले सकते हो इस नंबर से कॉन्टेक्ट करके। आप कोटा एडमिशन लेना चाहते हो कोटा भी ले सकते हो। आप उदयपुर एडमिशन लेना चाहते हो उदयपुर भी ले सकते हो। कहीं भी ले सकते हो, किसी भी ब्रांच पे एडमिशन ले सकते हो। ये जो क्रेश कोर्स चल रहा है वो जेट के लिए है, जेट वालों के लिए है। जो 12th पास बच्चे हैं वो एग्जाम देंगे इसको, और कॉलेज एग्रीकल्चर से कर रहे हैं वो बच्चे, साइंस से कर रहे हैं वो बच्चे, वो एग्रीकल्चर कॉलेज लेना, कोई भी कॉलेज लेना चाहते हैं उसके लिए जेट एग्जाम होगा, एग्रीकल्चर कॉलेज उसे मिलेगी, ठीक है। सीयूटी में आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, एग्रीकल्चर नहीं मैथमेटिक्स बायो से हो, वो भी कॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। और आईसीआर जो कंबाइंड एग्जाम सीयूटी करवाता है, कॉलेजेज अलग से आपकी है, बस एग्जाम सारे वही होने वाले। इन तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको क्रेश कोर्स होगा आपका लगभग 50 से 60 दिन का, ठीक है। तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ये बैच होगा फोर्थ नंबर का, चौथा बैच स्टार्ट होने वाला है। तीन बैच स्टार्ट हो चुके हैं, ये चौथा बैच है जो कल की डेट रहेगी। तो कल आप मॉर्निंग से आप 7 बजे से क्लास ज्वाइन कर सकते हो, और उसके रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो अभी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी ब्रांच में आप, और अभी अपना रजिस्ट्रेशन नाम लिखवा सकते हो, ठीक है। ओके, और ये जो एड्रेस है आपको सभी का दिया हुआ है, आप इस जो एड्रेस है इस एड्रेस पे आप पहुंच सकते हो, ठीक है। और ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस नंबर से आप इंक्वायरी कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन अभी करवा सकते हो, और मंडे से अपनी क्लास को सुनिश्चित कर सकते हो, रेगुलरली क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी बेटा। अंशु बेटा गुड, हेलो बेटा गुड इवनिंग। यस बेटा, और बाकी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन पढ़ना है आपको, तो ये अपना एजुकेशन ग्रुप राजधानी के नाम से एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हो इसको, और उस पर भी आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है। पर ऑफलाइन जो पढ़ेगा बच्चा उसके लिए ऑनलाइन फ्री रहेगा उसके लिए। ओके, डेट जरूर ध्यान रखिए, कल की डेट है जो कल जो स्टार्ट होने वाला चौथा बैच, ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए जरूर आप लोग टाइमली बैच को ज्वाइन कर ले बेटा। आप कोचिंग में संपर्क करें, कौन से बैच में रहोगे आप, आपका पता होगा, टारगेट बैच है आपका तो अलग बैच होगा ना आपका, तो पीस बेटा सब कुछ इसी पे नंबर पे इंक्वायरी करनी होगी आपको। ये नंबर दे रखे है ना, पीस के बारे में मुझे नहीं पता बेटा ना, पीस कितनी है कितनी नहीं है क्या है सिस्टम वो मुझे नहीं पता इसके बारे में, पीस के बारे में इंक्वायरी आप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर नीचे लिखे हुए, ठीक। हाँ तो इस नंबर पे मिल जाएगी इंक्वायरी आपको, है ना, पीस के बारे में, इसके बारे में ज्वाइन करें, ठीक है। नए बैचेज है ये, तो नए बैचेज की डेट है सर। ओके चलिए, अब शुरू करते हैं आज के सेशन को।
तो देर ना करें, एक बात का ध्यान रखिएगा, टाइम बहुत कम बचा है। एग्जाम जेट वालों का 2 जून का है, और जो सीयूटी है उनका मई में स्टार्ट हो जाएगा, 20 से लेकर 30 की मई के बीच में कभी भी हो सकता है। लगभग आपके पास सभी के पास 50 डेज बचे, 50 से 60 डेज बच रहे हैं, और इस दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका इस बात का सुनिश्चित करना कि आपको सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है। इसी साल बिना साल कर आप करें, आपको 2 महीने में प्रिपरेशन करनी है, तो अब वक्त बिल्कुल खराब नहीं करना है। कहीं भी आप सुनिश्चित जहां पर आप हो सके उस अच्छी जो आपके उचित रहे उस ब्रांच पे आप एडमिशन ले सकते हो। जल्दी से जल्दी करिए चीज, है ना। ओके बेटा, ठीक है। यस बेटा, ऑनलाइन फ्री रहेगा, ऑफलाइन नहीं। ऑफलाइन और ऑन ज्वाइन करते हो तो फिर ऑनलाइन फ्री रहेगा सब कुछ, एप्लीकेशन पे भी रहेगी सारी क्लासेस। यस बेटा, टाइमिंग क्या है बेटा? 7 बजे से, ठीक है, सुबह मॉर्निंग 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और मेरे को जहां तक याद है मैंने 51 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए थे, आज हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, उसके आगे हम डिस्कस करने वाले आज 51 से CaCO3 आपको लिखा हुआ है, CaCO बना और CO2 बना, इस अभिक्रिया के लिए कौन सी संबंधित सही अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए बेटा। हाँ, कोई भी इंक्वायरी करनी है नंबर मैंने बताया है, नीचे लिखे हुए नंबर लिस्ट में चल रहे हैं नीचे, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। किसी भी ब्रांच जहां एडमिशन लेना है वहीं पर नंबर मिलाए, वहीं पर बात करें आप। पचकोड़े जोमने लेना है तो उस नंबर पर बात करें, कोटा लेना है तो कोटा के लिए नंबर अलग से है, और उदयपुर के लिए अलग नंबर से, अलग अलग सेंटर के लिए अलग अलग नंबर है, उसी पर आप बात करें जो भी आपको जहां से एडमिशन लेना है वही। ओके, चलिए अब सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रिएक्शन हो रही है अभिक्रिया के लिए कौन सा संबंध सही है ये बताना है। बताइए जल्दी से आप लोग, जल्दी बताइए आप लोग आंसर, बताइए जल्दी से, तुरंत स्पीड से आंसर दीजिएगा। यस बेटा, यस 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 यस, सारे बच्चे आंसर देंगे, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को देखिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन को देखिए आंसर दीजिए। देखिए यहां जो क्वेश्चन ये है, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, लिखा हुआ आपको कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड है, कैसे बेटा, सॉलिड है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये चूना पत्थर है, ये बिना भुजा चूना है, ये CO2 है, ये गैस है, इसके लिए आपको रिलेशन बताना है। रिलेशन जो दे रखा है वो केपी में दे रखा है, वो तो प्रेशर के लिए दे रखा है, और प्रेशर केवल किसका होता है, गैसेज का, तो केपी किसके लिए लिखा जाता है, केवल गैसेज के लिए लिखा जाता है, केपी केवल और केवल किसके लिए लिखा जाता है, गैसेज के लिए लिखा जाता है, गैसेज के लिए लिखा जाता है बेटा, गैसेज के लिए लिखा जाता है। दिनेश ने और राकेश ने आंसर दिया है, एक ने डी और एक ने बी। हाँ तो बेटा देखिए सुनिए, यहां पर आपको पता है कोई भी सामने रिएक्शन में आपको कांस्टेंट लिखना है तो ऊपर क्या आता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आता है, और नीचे क्या आता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आता है। बट यहां जब आपको केपी लिखना है तब ये कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आ जाता है, तो यहां क्या आ जाता है, प्रेशर ऑफ जो प्रोडक्ट है वो आएगा और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आएगा, प्रेशर ऑफ क्या आएगा, रिएक्टेंट आएगा। अब यहां जनरली प्रेशर आपको प्रोडक्ट का देखना है, प्रोडक्ट में कौन कौन है, चूना है और ये CO2 गैस है। आपको बता दूं यहां पर इसका प्रेशर जो है गैसेज का, सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता, तो प्रेशर इसका कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, सॉलिड है उसका भी प्रेशर नहीं होता, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल किसको इंक्लूड करेंगे, CO2 को। तो यहां लिखूंगा मैं प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर ऑफ CO2, और नीचे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट चूना पत्थर है, सॉलिड है ये, तो यहां पर केवल CO2 आएगा, तो केपी बराबर क्या रिलेशन बन गया बेटा, पी CO2, ये रिलेशन बन गया बेटा, केपी बराबर प्रेशर CO2, ये रिलेशन आएगा बेटा, ये रिलेशन आएगा। बेटा 12th क्लास का ही आता है CUT में, टोटल सिलेबस 12th क्लास का ही आता है। हाँ, जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो वो नहीं आएगी बेटा, प्योर केमिस्ट्री आएगी, ठीक है। 12th आपके एग्रीकल्चर की तीनों बुक्स में से क्वेश्चन आएंगे, तीन बुक्स थी एग्रीकल्चर की, बायो, AG, उस मेनली एग्रीकल्चर ये समझा जाए तो कोई डिफरेंट नहीं है। इसके अलावा आपको प्योर केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी जो बायो वालों बच्चों की चलती है, और प्योर बायो पढ़नी पड़ेगी जो 12th क्लास की बुक है, NCERT की, इस साल नहीं आई थी, वो सिलेबस कम होके आया था, वो वाली बुक पढ़नी है, जिनमें अप्रोक्स 10 से 15 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है, वो अलग से पढ़ना ही पड़ेगा आपको, समझ गए होंगे। हाँ, मगरमच्छ आ गया क्या, वेरी गुड बेटा, अरे कैसे भूल सकते हैं आपको बेटा। यस,
तो यहां पर आंसर क्या आया बेटा, आंसर आया है बी आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा बेटा। आप याद हो कैसे भूल सकते हैं आपको, मगरमच्छ को कैसे भूल सकते। चलिए, उस जमाने में बहुत सारे मगरमच्छ आया करते थे ना। हाँ यस, चलिए तो आगे देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पे एक रिएक्शन हो रही है। ओके सर, इसमें रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, इस रिएक्शन को देखकर बताना है, बताना है क्या, बताना है कि मोलों की संख्या डिफरेंस कितना आएगा। जल्दी बताइए मोलों में डिफरेंस कितना आएगा, मोलों की संख्या में डेल्टा एन परिवर्तन कितना आएगा। डेल्टा एन क्या होता है जानते हो आप सभी, डेल्टा एन जानते हो। हाँ बेटा बीकानेर से, अच्छा यस, आंसर दीजिए। सीयूटी के पेपर में आपको 50-50 क्वेश्चन मिलेंगे पर सब्जेक्ट के। आप सब्जेक्ट चुनोगे एबीसी, सीयूटी का पेपर भरा, फॉर्म भर दिया होगा ना आपने, सब्जेक्ट एबीसी सुना होगा ना आपने, ठीक है एबीसी। और अगर नहीं भरा है तो शायद कल या लास्ट आज डेट होगी मेरे हिसाब से, डेट एक्सपोर्ट हो गई थी उसकी, है ना। तो यहां एबीसी में एग्रीकल्चर आती है, 12th एग्रीकल्चर आएगी, 12th की जो एजी है। अब एजी में आपको एग्रीकल्चर पढ़नी है पूरी। अब इस एग्रीकल्चर में आपकी एग्रीकल्चर जो बायो है वो भी आती है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी आती है, सभी से क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो बात को। इसलिए एक चीज को मत छोड़ना आप, एजी में एजी बायो एजी केमिस्ट्री सभी आती है। एजी वर्ड जो 12th में पढ़ा है ना एजी, वो बायो वो एजी थी नॉर्मली वैसे तो, और तो पढ़ रखी है वो तो तुरंत ही रिवाइज करनी है। और एजी केमिस्ट्री अभी पढ़ के एग्जाम दिया आपने, ये सच्ची में हकीकत में एग्रीकल्चर ही है, थोड़ा केमिकल पोर्शन है, थोड़ा वो चेंज किया जा रहा है बस, ये हो रहा है सब कुछ, ठीक है। क्यों नहीं होंगे बेटा, क्यों नहीं होंगे, कोई बच्चा हो सकता है सिलेक्शन, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा कोटा से लाइव है, कोटा से लाइव है, कुछ दिनों से रुकी हुई थी क्लास, 5-7 दिन 10 दिन क्लास नहीं हुई, मैं बाहर था, जयपुर था। यहां पर दूसरा है बायो, तो बायोलॉजी जो है ना पूरी पूरी बायोलॉजी आएगी 12th क्लास, जो साइंस बायो की आती है 12th वालों के, 12th जो बायो वाले हैं बच्चे उनके से सब्जेक्ट आती है बायो, तो प्योर एनसीईआरटी की बुक जो आती है, एनसीईआरटी की बुक है वो वाली पढ़नी है, जो न्यू वाली है, न्यू वाली पढ़नी है बेटा, न्यू वाली पढ़नी है याद रखना। और फिर केमिस्ट्री प्योर केमिस्ट्री भी 12th वाली पढ़नी है, 12th जो बायो मैथ्स वालों की आती है ना वही एनसीईआरटी की बुक लानी है मार्केट से। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो दिक्कत कुछ लाने की जरूरत ही नहीं है, अपने राजधानी में हो तो आप, जो पढ़ा दिया गया वो सफिशियंटली पढ़ा दिया गया, तो वो पढ़ना है और उसके बाद में इसके एमसीक्यूज तैयार करने हैं। एमसीक्यूज क्लासेस अभी हो रही है, मैं ले रहा हूं क्लासेस, वो देख सकते हो, सीयूटी वाले बच्चे 12th क्लास के चैप्टर देख सकते हो, बाकी मैं करवा रहा हूं जेट में सभी के आते हैं, 11-12 दोनों के मिला के आते हैं, तो मैं कंबाइन करवा रहा हूं 11-12 दोनों मिला के, ठीक है। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वो चैप्टर्स के क्वेश्चन जो भी है, क्यूरीज है, एमसीक्यूज है, वो क्लियर कर सकते हो आप बेटा। यस बेटा ये होगा, आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। हाँ ये बातें समझ में आ गई होगी आपको सारी बातें। चलिए तो यहां पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, यहां आपके पास लिखा हुआ है C12H22O11 प्लस 12O2 से 12 CO2 बना है, और 11 क्या है, वॉटर मॉलिक्यूल्स है। इसमें आपको बताना है डेल्टा एनजी का डिफरेंस कितना आया, आपने आंसर नहीं दिया किसी ने भी, आंसर दीजिए बेटा। यहां पर आपको पता है डेल्टा एनजी जो निकालते हैं, डेल्टा एनजी निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, प्रोडक्ट में से क्या घटाते हो, रिएक्टेंट घटाते हो ना, ये तो करते हो, अरे ये तो करते हो, ठीक है। गैसेस के लिए इंक्लूड करना तो गैसेस को इंक्लूड करना है केवल, गैस को इंक्लूड करना तो देखो इधर क्या है, ये लिक्विड है, इसके मोल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लिक्विड को इंक्लूड नहीं करेंगे, मोल्स लिक्विड की इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ओके। यहां लिखा हुआ सॉलिड शुगर है, ये शुगर को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल किसको करेंगे, गैसेस को। तो ये रिएक्टेंट है तो ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोड्यूस गैसेस कितना है, ये 12 है, तो मोल ऑफ प्रोड्यूस कितना है यहां पर 12 है, और मोल ऑफ रिएक्टेंट कितना है, ये भी 12 है। आपको डिफरेंस निकालना है तो 12 में से 12 कम करोगे तो कितना डिफरेंस आएगा, जीरो, जीरो आएगा बेटा, कितना आएगा डिफरेंस, जीरो आएगा, ए इज द राइट ऑप्शन।
ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन, दो नहीं आएंगे बेटा, जीरो आएगा। 12 तो CO2 है, 12 O2 है, गैस गैस को, हाँ गैस गैस को ही सोल्व करना है आपको। यस बेटा, बेटा CUT एक कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम है जो आपको तीनों सब्जेक्ट का पेपर बनाती है, समझ लीजिए, है ना। और उसके बेसिस पे जो रिजल्ट आपका आएगा, उस बेसिस पे आपको जिस कॉलेज में आप लेना चाहते हो उसमें ले सकते हो। BHU में एडमिशन लेना चाहते हो BHU में ले सकते हो, ICR में लेना चाहते हो ICR में ले सकते हो। अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, सेंटर की कोई भी, ठीक है, कहीं भी जा सकते हो, आउट ऑफ इंडिया भी आप जा सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, उनमें जाने के लिए आपको एग्जाम देना होगा, और एग्जाम के थ्रू ही आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे। आपको ICR में जाना तो एग्जाम CUT का देना ही होगा, अलग से ICR का एग्जाम नहीं होता है। आपको जो पेपर देना है समझ लीजिए ICR के लिए देना है, समझ लीजिए बस, ठीक है। आपको एग्रीकल्चर ICR में जाना है तो ICR के लिए देना है आपको, ये समझ लीजिए बस। यानी ICR का पेपर ही आपके लिए मेनली, समझिए इस चीज को। बेटा इसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हो, इस नंबर पे बात करो ना बेटा, कोचिंग में बात करो। आप कब आ सकते हो, आप कब आ सकते हो, कल से बेस नहीं स्टार्ट हो रहे, उसमें ज्वाइन कर लो, क्या दिक्कत है आप। हाँ, और कोई इंक्वायरी चाहिए? एग्रीकल्चर 11th की नहीं, नहीं बेटा नहीं, 11th की नहीं आई। तो आंसर यहां पर आ गया ए। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। MgCO3 MgO प्लस CO2 की अभिक्रिया के लिए केपी का मान बता दीजिए। एक रिएक्शन लिखी हुई, देखकर आराम से बताइए, केपी का मान बताइए। क्या लिखा हुआ, साइंस में केमिस्ट्री आती है? हाँ, साइंस में केमिस्ट्री क्यों नहीं आती? साइंस बायो वाले बच्चों से पूछना आप, उनके तीन सब्जेक्ट चलती है, फिजिक्स चलती है, बायो चलती है, और बायो के अलावा उनकी केमिस्ट्री आती है। तीन सब्जेक्ट आती है उनकी, तीन सब्जेक्ट आती है। अब तीन सब्जेक्ट में से एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, समझ रहे हो बात को? तो वो आपके एग्जाम में आएगी, वो पढ़नी जरूरी है, कंपलसरी है। क्या कह रहा CUT? उसके लिए आपको बेटा जब फॉर्म की डेट कंप्लीट हो गई उसके बाद में आपको टाइम दिया जाएगा करेक्शन के लिए। आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो बाद में भी हो जाएगा, जब कॉलेज सेलेक्ट करोगे तब हो जाएगा बेटा। हालांकि यूनिवर्सिटी आपको चुननी थी उस समय, जब आपको भरनी थी उस समय ICR को आपको चुनना था वैसे, ठीक है। एग्जाम दीजिए, हो जाएगा चेंज। हाँ, और डेट का ध्यान रखिए, करेक्शन के लिए कोई डेट देता है, जैसे सभी के लिए आता, नीट के लिए बच्चों के लिए आया था, करेक्शन के 2-3 दिन आपको ऑफर मिलेगा, तो आप चेंज करवा सकते हो कुछ, आप चेंज करवाना चाहते हो तो। यस बेटा, तो वो करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसका अलग से चार्ज वार्ज लगता है कुछ, तो उससे करवा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आंसर देखिए यहां पर, ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है। अभी आप मस्त तैयारी कीजिए बेटा, सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो इनको इंक्लूड नहीं करना है। ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, ओके ना। अभिक्रिया के लिए केपी बताना है, तो केपी क्या होगा, केपी क्या होगा, ऊपर प्रोडक्ट आता है तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, CO2, तो प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर ऑफ CO2 आएगा। बाकी ये तो सॉलिड है, सॉलिड का प्रेशर होता ही नहीं है ना, नहीं होता है, तो आंसर ये आ जाएगा बेटा। आंसर पे फोकस करो बेटा, बाकी बातें छोड़िए अभी फिलहाल, इतनी चिंता मत कीजिए आप, है ना बेटा। यहां डी नहीं, यहां ए आंसर आएगा बेटा। सॉलिड का प्रेशर कब लगता है बेटा, नहीं लगता ना। चलिए आगे देखिए, हेपर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां प्रतिकूल होती है? आपको प्रतिकूल बताना, अनफेवरेबल कंडीशन बतानी, याद रखिएगा अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होती है। ऐसा क्वेश्चन कंफर्मली आया हुआ क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ली चैटलियर प्रिंसिपल के बेस पे है ये, ली चैटलियर प्रिंसिपल जाना ला सातले का नियम जो है उसके बेस पे है। क्या कह रहे हो बेटा, CUT के पिछले साल के पेपर करवा दीजिए। बेटा सब करवा दूंगा मैं, चिंता ना करो, सारे पेपर करवा दूंगा मैं, टेंशन मत करो, चिंता करने की जरूरत ना है, ठीक है, मैं करवा दूंगा बेटा, करवा देंगे बेटा, करवा देंगे।
ठीक है, करवा देंगे। स्पेशली सीयूटी के लिए भी क्लासे अलग से लेंगे, कुछ चैप्टर सीयूटी में आते जेड में नहीं आते, वो चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मत करो आप। हाँ बस आप तो तैयारी करो, बस अब लगे रहो, बस अब 60 दिन का टाइम है। ये मानिए आईसीआर में तो आपको जेट सीयूटी में तो आपको 50 दिन का ही टाइम मिलेगा लगभग, 50 दिन तो आपको पागल होके लग जाना है, बस अब लग जाना है, कुछ भूल सब भूल जाना है और लग जाना है सब कुछ। थैंक यू बेटा, आंसर दीजिए। यहाँ एक हेबर प्रोसेस होता है, हेबर प्रोसेस क्या होता है मैं पहले बता दूं इस चीज को। हेबर प्रोसेस एक अमोनिया बनाने का प्रोसेस है, अमोनिया बनाने का प्रोसेस है। अमोनिया क्या है, अमोनिया एक एनएच3 गैस है। ये कैसे बनता है, ये N2 और H2 के मिलने से बनता है। इसके लिए प्रोसेसिंग ये होता है, मैंने थ्योरी जब क्लासेस बच्चों को पढ़ा रखी है उनको बताया मैंने उस समय कि जब अमोनिया बनता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलता है तो अमोनिया बनेगा, और अमोनिया जब बनेगा तो इक्विलिब्रियम फेज में बनेगा। ये समझिएगा, इसमें टेम्परेचर चाहिए आपको 200 एटीएम प्रेशर चाहिए कम से कम, और लगभग 500 से 600 केल्विन इसको टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए इसको, समझ रहे हो बात को। ऐसा प्रोसेसिंग होता है, बट आपको इस चीज पे नहीं जाना अभी, ये आपको याद हो या ना हो, परंतु यहां जो एक से लिखी हुई है उसमें हीट दी हुई है। देखो कैसे कैसे हीट को लिख सकता है, दो चीजें सुनिए मेरी, सुनिए। कोई रिएक्शन है ए से बी मिलता है और उसमें बनता है सी, उसमें बनता है सी, तो इस दौरान जब भी रिएक्टेंट से कुछ चीजें बनाना चाह रहे हो, ये रिएक्टेंट है आपका, जब रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो या बना रहे हो, तो उस फेज में होता क्या है, उस फेज में उसकी एंथैल्पी में चेंज होता है, उसमें उसकी एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा में चेंज होता है, या तो उसको ऊर्जा रिक्वायरमेंट होती है ए बी को तब सी बनता है, या फिर ऊर्जा निकलती है। दो टाइप की रिएक्शन होती है, उष्मा शोषी और उष्मा सेफी। अगर इस रिएक्शन में उष्मा की यूज होता है तो कौन सी रिएक्शन है, वो उष्मा शोषी रिएक्शन है। अगर उष्मा बाहर निकलती है तो वो उष्मा सेपी रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, उष्मा सेपी है। इसके लिए आप उष्मा को परिवर्तन को डेल्टा एच से लिख सकती हो, अगर वो शोषी है तो परिवर्तन प्लस में आएगा और अगर वो सेपी है तो माइनस में आएगा। ये तो परिवर्तन की बात हो रही है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्शन ए और बी को मिला रहे हो तो उसे उष्मा चाहिए, तो यहां उष्मा लिख देता है, यानी इनके साथ में उष्मा भी लग रही है, इनके साथ में उष्मा भी लग रही है, ए बी को उष्मा चाहिए, ए बी उष्मा लेगा, लेकर बनाएगा प्रोडक्ट। बात को समझते जाना। तो उष्मा यहां लगी हो तो उष्मा शोषी है, ये भी कैसी है, उष्मा शोषी है, ये भी पहचान हो सकती है उष्मा शोषी की। और सुनिए, ए प्लस बी को मिलाया और यहां प्रोडक्ट बना है, और उसके साथ में उष्मा भी निकल रही है या बन रही है, उष्मा निकल रही है तो ये भी कैसा हुआ, ये निकलने वाला उष्मा सेपी हुआ, निकलने वाला उष्मा सेपी हुआ, कैसा प्रोसेस हुआ, सेपी हुआ, ऐसे पहचान कर लेना। और एक और तरीका होता है, एक तरीका ये होता है, सुनिए, कभी कभी एग्जामिनर बड़ा हुशियार होता है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। ए बी से प्रोडक्ट बनाया, अगर उसके प्लस में लिखा हुआ है तो ही बन रही है, प्लस में मतलब काम आ रही है यहीं पर काम आ रही है, प्लस में मतलब यहां बन रही है। अगर ये चीज माइनस में लिखी हो तो इसका मतलब वो उल्टा लिख चुका है वो, यानी यहां माइनस का मतलब है, यहां उष्मा माइनस का मतलब है यानी इधर की थी, उसको गलत जगह ले गया वो, चिन्ह के उधर ले जाते चिन्ह बदल गए, समझिए हकीकत में ये इधर का है, इधर आने का मतलब है प्लस, प्लस मतलब उष्मा प्लस मतलब उष्मा जुड़ रही है, और उष्मा जुड़ने का मतलब उष्मा शोषी हुई ना, तो ये भी उष्मा शोषी है, ये भी पहचान करनी होती है, इसके बिना तो पहचान दिक्कत हो जाएगी तुम्हें भाई बहुत बड़ी। आगे चलिए, आपने ए और बी लिखा और उसके बाद में प्रोडक्ट बना दिया उसने, अरे का बना दिया भाई, प्रोडक्ट बना दिया उसने, और उष्मा इस बार उसने इधर लिखी और काई में लिखी, माइनस में उष्मा, इसका मतलब फिर चालाकी कर रहा है कि माइनस में होती नहीं है, प्लस में होती है, उष्मा इधर की थी तो हकीकत में यहां की थी, यहां प्लस में। और आपको पता है किसी उत्पाद के साथ में उष्मा लिखी हो मतलब बन रही है निकल रही है तो उष्मा सेपी क्रिया हुई ना। तो क्या क्या पहचान हो सकती है, दोबारा सुनिए, डेल एच लिखा हो प्लस मतलब जुड़ना उष्मा शोषी, उष्मा सेपी निकलना माइनस, ठीक है, निकलना मतलब उत्पाद के साथ निकलना उष्मा सेपी, जुड़ना मतलब अभिकारक के साथ जुड़ना उष्मा शोषी,
यहाँ देखिए उष्मा को इधर लिखा है माइनस में, गलती से लिख दिया, इधर आओ वापस लाओ तो प्लस हो गया, प्लस मतलब उष्मा शोषी, प्लस मतलब उष्मा शोषी, और यहाँ लिखा हुआ है इधर माइनस में, यानी गलत है, यहाँ भेजो तब प्लस में हुआ, और यहाँ किसी उत्पाद के साथ प्लस में बनने का मतलब वो भी उष्मा सेपी है। ये कॉन्सेप्ट पकड़ना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है बेटा। एजी क्लास हो तो रही है बेटा, डेली चल रही है क्लास एजी, और काफी दिनों से चल रही है एजी की क्लास, इसके बाद में देखना एजी क्लास रहेगी इसके इसी क्लास के बाद में, तुरंत बाद में क्लास है एजी क्लास है। इसका स्क्रीनशॉट लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता ही बनता है, कन्फर्मली बनता ही बनता है, और अगले सारे क्वेश्चन जो कराऊंगा इसी पर बेस कराएंगे। देखो हाँ, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आप इसी क्लास के बाद में आप एग्रीगेशन क्लास देख सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ दिए, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, इस रिएक्शन में यहां प्लस में लिखी हुई है तो इसका मतलब उत्पाद के साथ में लिखी हुई है, उत्पाद के साथ में लिखने का मतलब उत्पाद में बन रही है, बन रही है मतलब निकल रही है, निकलने का मतलब उष्मा सेपी हुआ ना, उष्मा सेपी हुआ। दूसरी बात, आपको मैंने दो प्रकार की रिएक्शन बताई है, उष्मा शोषी, शोषी मतलब उष्मा चाहिए, उष्मा चाहिए, उष्मा चाहिए, उष्मा उसे चाहिए, उष्मा की आवश्यकता है उसे, उष्मा की उसे आवश्यकता है, उसे आवश्यकता है मतलब गर्म करना पड़ेगा तो टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो टेम्परेचर देना पड़ेगा, वही उसके लिए अच्छा रहेगा, तो अच्छी चीज उसके लिए टेम्परेचर देना है, उष्मा चाहिए, दो टेम्परेचर। अगर आपने आपने दूसरी रिएक्शन पढ़ी उष्मा सेपी में कहानी यह है कि उष्मा वहां से निकल रही है, उष्मा निकलती है बाहर निकल जाती है, यानी उष्मा नहीं चाहिए, उष्मा जब नहीं चाहिए तो मत दो ना, पर आप तो मान नहीं रहे, जिद्दी कर रहे हो आप, फिर दे रहे हो, देना तो आपकी वजह से सारा काम बिगड़ जाएगा, मतलब ये प्रोसेस रुक जाएगा, ये प्रक्रम रुक जाएगा या उल्टा हो जाएगा, या फिर वेग चला जाएगा, पश्चे दिशा में जाएगा, कौन सी दिशा में चला जाएगा, पश्चे। दोबारा सुनिए, आपको उष्मा शोषी, उष्मा चाहिए, दोगे टेम्परेचर तो आगे ही जाएगा, अग्र दिशा में ही जाएगा, आपने उष्मा चाहिए नहीं, उष्मा तो निकल रही है फिर भी आप गर्म कर रहे हो, तो आपने गलत कर दिया ना, बैकवर्ड चला जाएगा प्रक्रम। तो बेटा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आपके सामने है कि रिएक्शन उष्मा सेपी है, सेपी मतलब उष्मा निकल रही है, उष्मा चाहिए नहीं, तो बताइए कौन सी कंडीशन इसके लिए फिट नहीं बैठ रही। आप दबाव बढ़ाना चाहते हो, बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर कितने मोल है, एक और तीन मिला के चार होते हैं, और बन कितने रहे हैं, दो मोल, चार से दो मोल बन रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से तो अच्छी बात है, इधर जाएगा प्रक्रम आगे बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ाना अच्छी चीज है, प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर ज्यादा पे लगता है वो कम की तरफ अपने आप चला जाएगा, आगे जाएगा, ठीक है। अमोनिया को हटा दो, इसको कम कर दो, कम करोगे तो जल्दी जल्दी बनेगा, जिस चीज को कम करोगे वो जल्दी जल्दी बनेगा, ये भी सही है। उष्मा चाहिए ही नहीं तो ताप घटा दो, ये भी सही है, नहीं उष्मा चाहिए तो ठंडा कर दो अच्छी बात है, पर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये गलत कर दिया, और गलती पूछ रहा था, क्या गलत पूछ रहा था, आपको पूछ रहा था अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी है, आपको पूछ रहा था प्रतिकूल कंडीशंस कौन सी है, तो प्रतिकूल तो है टेम्परेचर बढ़ाना, अमोनिया के बनाने के लिए आपको उस टेम्परेचर चाहिए ही नहीं, तो आपको टेम्परेचर कम चाहिए और दबाव ज्यादा चाहिए। सुनिए, अमोनिया के निर्माण के लिए आपको टेम्परेचर, ताप तो कम चाहिए, और दाब क्या चाहिए,
ज्यादा चाहिए भाई, दाब दबाव ज्यादा चाहिए। ये तो इसकी फेवरेबल कंडीशंस है। ये कैसी कंडीशंस है? ये इसकी फेवरेबल कंडीशन है। और आपसे पूछा है अनफेवरेबल, अनफेवरेबल अनुचित कंडीशंस पूछी गई है, तो वो कौन सी है? वो कंडीशंस आपकी है यहां पर टेम्परेचर को बढ़ाना गलत हो जाएगा। बिना आवश्यकता के टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गलत तो होना ही है भाई, बिना आवश्यकता के टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो गलत तो होना ही होना है। तो गलत नहीं करना, सही करना है भाई, सही करना है, सही करना है। ओके, आंसर हो गया इसका, टेम्परेचर बढ़ाना गलत है। बाकी घटा सकते हो, प्रेशर को बढ़ा सकते हो, ताप को घटा सकते हो, अमोनिया को हटा सकते हो। इधर से प्रोडक्ट हटाएंगे तो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। आगे चलिए, क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट देखिए, ये रहा। ये सारी बातें कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाई है वो आगे काम आएगी, वो आगे काम आएगी। क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का रासायनिक साम्य किसके द्वारा प्रभावित नहीं होता? ऐसा कौन सा कारक है जो रासायनिक साम्य को इफेक्ट नहीं कर सकता? दबाव करता है क्या? अभिकारक की सांद्रता करती है क्या? टेम्परेचर करता है क्या? उत्प्रेरक करता है क्या? आपको बताना है कौन नहीं करता, कौन नहीं करता, कौन नहीं करता, बताना है कौन नहीं करता। आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी दो आंसर। बड़ा आसान क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कोई तकलीफ ना होगी तुमको, बड़ा आसान क्वेश्चन है। जल्दी दीजिए, साम्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं भाई? आपने पढ़ा था ना, अरे पढ़ाया था ना मैंने पिछली क्लास में, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, कौन कौन से भाई? सुनिए देखो, लिखिए साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। साम्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है भाई? देखिए भाई कौन कौन से कारक है, आइए देखिए। पहला कारक अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने घटाने से बढ़ता है, घटता है, सांद्रता है सांद्रण एक ही बात है। नंबर दो, दाब का प्रभाव भी पड़ता है। नंबर तीन, ताप का प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, ताप का प्रभाव पड़ता है। नंबर चार, अक्रिय गैसें डालते हो तो भी प्रभाव पड़ता है थोड़ा सा, ठीक, अक्रिय गैसों का, ठीक है। उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता बेटा, उत्प्रेरक डालते हो ना तो उत्प्रेरक तो क्या करता है, उत्प्रेरक तो सक्रिय ऊर्जा को घटाने का काम करता है, तो दोनों तरफ से घटाएगा ना। उत्प्रेरक आपके जीवन को बदलता है तो पीछे भी बढ़ाएगा, यानी उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो दोनों दिशाओं को बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है तो पीछे बढ़ाता है, आगे बढ़ाता तो पीछे बढ़ाता है। राकेश आंसर दे रहा है यहां पर सी आंसर, तो बिल्कुल यहां बी आंसर आएगा बेटा, सी नहीं आएगा। सांद्रता है जिसकी वजह से बदलता है, सामने आगे पीछे बढ़ सकता है, दाब की वजह से आगे पीछे बढ़ सकता है, टेम्परेचर की वजह से बढ़ी रहा है, बता रहा हूं उष्मा शोषी उष्मा सेपी। उत्प्रेरक ऐसा है कारक है जो साम्य को बदल नहीं सकता, ना आगे कर सकता ना पीछे, दिशाओं को दोनों दिशाओं को स्पीड को बढ़ाता है, साम्य के ऊपर प्रभाव उसका नहीं पड़ता है, तो उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये PYQ बेटा, ये PYQ है, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं साम्य की, मैं बात कर रहा हूं साम्य की, क्वेश्चन आ जाए साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाला कारक, तो बेटा साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? साम्य स्थिरांक कोई भी स्थिरांक हो ना, उस स्थिरांक को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लो, तो उसको प्रभावित केवल एक चीज करती है, वो टेम्परेचर करता है, तापमान करता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, बाकी कोई नहीं कर सकता, चाहे किसी की सांद्रता हो, चाहे किसी की का प्रेशर हो, चाहे फिर उत्प्रेरक हो, चाहे फिर अक्रिय गैसी हो, ये कोई प्रभावित उसे नहीं कर सकते। स्थिरांक की बात करें तो वो साम्य की बात हो रही थी, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, देखिए बेटा, लो जी क्वेश्चन है, जब किसी तंत्र की साम्य प्राप्त अवस्था पर दाब ताप सांद्रता को बदल दिया जाए,
परिवर्तित कर दिया जाए तो साम्य उस ओर अग्रसर हो जाता है जिस ओर लगाए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए, उसको क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, मैंने कहा था आपको, जहां काम होता है, जहां कोई काम होता है वहां उस काम से बचने के लिए आप दूसरी जगह चले जाते हो, दूसरी जगह आप चले जाते हो। तो ये प्रभाव क्या है? वो बारे को दबाने पर हवा उधर चली जाती है, इधर हवा कम है, हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, ये क्या है सब कुछ? ये सब कुछ क्या है? ये रूल है। और कौन सा रूल बताता है कि जब भी आप किसी प्रोसेस को परिवर्तित करोगे दाब ताप दाब को, तो उस कंडीशन में सब कुछ ही बदल जाएगा, यानी प्रक्रम उस ओर चला जाएगा जिस ओर उसका प्रभाव कम हो जाए। जैसे घर पे काम है तो तुम घर से कोचिंग आ जाओगे, कोचिंग में टेस्ट है तो आप घर रुक जाओगे। ये प्रभाव क्या है? किसी परिवर्तन को अपने आप से चेंज करना, परिवर्तन हो रहा है आप उस चीज को बदल रहे हो जिससे कि उसके प्रभाव कम हो जाए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बताइए कौन सा रूल है ऐसा? तो यहां ये रूल है, ली चैटलियन ने बताया था बेटा। किसने बताया था? ली चैटलियन ने बताया था, ली सातल्य बोलते हैं इसको। ली सातल्य का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी किसी चीज में परिवर्तन करोगे तो वो प्रक्रम उस चीज का विरोध करेगा, और विरोध करके चेंज करना चाहेगा वो कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, टेम्परेचर को बढ़ाओ मत, टेम्परेचर को कम करो, ऐसा वो कहेगा। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज क्या है, दोबारा सेंटेंस को पढ़ के बताइएगा। किसी तंत्र की साम्य प्राप्त अवस्था है, दाब ताप में चेंज करना चाहते हो, सांद्रता में चेंज करना चाहते हो, तो साम्य उस ओर चला जाएगा जिस ओर लगाए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए। जो आपने सांद्रता बढ़ाई है वो घट जाएगी वापस से, आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो प्रक्रम उस ओर जाएगा जिधर टेम्परेचर कम हो जाए, दाब आपने बढ़ाया है तो दबाव जिस तरफ कम हो जाए उस तरफ प्रक्रम अपने आप चला जाएगा। अगर आपने चेंज किया तो ऐसा होगा, अगर चेंज नहीं किया तो नहीं होगा। ये ली चैटलियर का प्रिंसिपल बेटा। किसका प्रिंसिपल है? ली चैटलियर प्रिंसिपल बेटा। बात समझ आ रही है आपको? अरे बात समझ आ रही है आपको? ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओके चलिए, ये सेंटेंस ऐसा कैसा याद रखना, ली चैटलियर का सारे रूल लगते हैं। देखो इस पे आगे देखो, N2O2 2NO plus Q कैलोरी लिखी हुई है, 2 कैलोरी लिखा हुआ है। बताइए इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? बताइए इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? देखिए, इस अभिक्रिया में N plus O प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक होती है, कौन सी कंडीशन फेवरेबल होती है, कौन सी कंडीशन फेवरेबल होती है बताइएगा? In the above reactions, which is the essential conditions for the higher production of NO? आपको essential condition का मतलब आवश्यक conditions होती है, आपको ज्यादा product बनाना है, NO बनाना है, तो कौन सी condition चाहिए? तो देखिए condition का पता कैसे लगेगा, आप इधर देखिए कितना मोल है, एक है सर, इधर कितना है, एक है, इधर कितना बन रहा है, दो है, एक और एक दो मोल इधर है, दो मोल इधर है। जब दोनों तरफ बराबर मोल होते हैं तो दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दबाव चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो दबाव का तो कोई लिंक ही नहीं रहा। फिर देखिए यहां लिखा हुआ माइनस में, मैंने कहा था यहां माइनस में लिखने का मतलब ये गलत है, ये यहां का था उधर चला गया, यहां का था यहां का। तो यहां जब माइनस में लगा हो, इधर माइनस में लिखा हो, तो इसको यहां से यहां ले जाओ, यहां से यहां लाने का मतलब यहां क्यों उष्मा लग रही है, लगने का मतलब कैसी रिएक्शन हो गई, उष्मा शोषी। और जब रिएक्शन उष्मा शोषी है तो डेल एच का मान कैसा है, प्लस में है, उष्मा चाहिए मतलब टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, तो हायर टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि टेम्परेचर कम करने पर ठंडा कर दोगे, ठंडा नहीं करना है। उष्मा शोषी का मतलब उष्मा चाहिए, जहां उष्मा चाहिए वहां उष्मा दीजिए ना, जहां उष्मा चाहिए वहां उष्मा दीजिए ना, जहां उष्मा चाहिए वहां उष्मा दीजिए, वहां उष्मा दीजिए, उष्मा शोषी रिएक्शन है तो उष्मा को दीजिए, ए आंसर करना है। वेरी गुड बेटा, ए आंसर करेंगे इसका। क्या आंसर आएगा बेटा? ए आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा बेटा? ए इज द राइट आंसर। ओके चलिए देखिए, समझते जाइए क्वेश्चन कंसेप्ट को, आगे समझ में आते जाएगा सारी चीजें। आगे देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ 58 नंबर, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कम दाब पर बढ़ेगी? दबाव कम करोगे
पर रिएक्शन बढ़ जाएगी। देखिए इधर कितना मोल है, एक तीन चार मोल है, इधर दो मोल है, समझते जाना, एक मोल दो मोल, इधर भी दो है इधर भी दो है। आपको बता दूं जिधर मोल बराबर होते हैं दाब का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। इधर देखिए एक मोल है, इधर देखिए एक और एक, ये रहा दो मोल हो गए कुल मिला के, दो वाले पर लगेगा ज्यादा दबाव, N2O2 एक मोल दो मोल हो गए कुल मिला के, इस पे दो मोल और इस पे भी दो मोल है, दोनों तरफ बराबर मोल है, इस पर भी नहीं लगेगा। तो एग्जाम्पल ये रहे। अब सुनिए सुनिए, रिएक्शन को आगे बढ़ाना है, अभिक्रिया कम दाब पर बढ़ेगी, आगे बढ़ाना है। तो देखो आगे कैसे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, इधर है चार इधर दो, चार पर दबाव लगा, दबाव जब लगाऊंगा मैं तो चार पर लगेगा और चार से दो की तरफ चला जाएगा, पर दबाव बढ़ाने पर होगा, दाब बढ़ाने पर होगा। जब मैं दाब को बढ़ाऊंगा, दबाव जब लगाऊंगा तो चार पर ज्यादा लगेगा, दो पर कम लगेगा, प्रक्रम आगे की तरफ बढ़ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। परंतु इधर दाब कम कर दो, दाब क्या कर दो, कम कर दो। जैसे दाब को कम करोगे प्रोसेस उल्टा नहीं आ सकता ही, ठीक, इस क्रिया में आपको बढ़ाना है आगे, रिएक्शन को बढ़ाना है आगे। देखिए एग्जांपल सी, इसमें लिखा हुआ एक मोल, इसमें लिखा हुआ दो मोल, अब इस पर भी दबाव बढ़ाकर देखो एक बार। तो अगर आपने दाब बढ़ाया, सुनिए सुनिए, दाब बढ़ाया तो दबाव दो पर लगेगा, एक पर ज्यादा, दो पर लगेगा, किस तरफ चला जाएगा प्रक्रम, एक की तरफ। तो दबाव बढ़ाने से पीछे, अगर दबाव को कम कर दो तो उल्टा चला दो, आगे बढ़ जाएगा। कम करने का मतलब दबाव कम लगना है, कम लगेगा तो आगे की तरफ जाना है, जाना प्रोसेस को, समझे। ऊपर भी देखिए चार से दो, सुनिए मैंने कहा दबाव बढ़ाऊंगा तो दबाव किस पर लगेगा ज्यादा, चार पर, चार पर लगने का मतलब आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो दबाव बढ़ाने पर आगे, दबाव बढ़ाने पर आगे, और दबाव को कम करने पर पीछे, दबाव कम करने पर पीछे। तो प्रोसेस को बढ़ाना है दाब कम करने पर, तो दाब कम करने पर ये तो पीछे आ रहा है, ये तो नहीं आएगा, दाब को कम कर रहे हो तो आगे जा रहा है, यही आएगा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को समझ के आंसर दो बेटा, बिल्कुल हरिओम राकेश, आंसर सही है बेटा, सी इज द राइट आंसर। हाँ बड़ा बसंती क्या करे, हाँ बेटा सी आंसर आएगा इसका, यस यस यस। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बसंती को, गुड इवनिंग। समझे कुछ कंसेप्ट को, दाब को बढ़ाने पर ही तो पीछे आ रहा था, क्योंकि इधर कितने हैं, दो इधर एक, दबाव दो पर लगता है तो प्रक्रम पीछे, दबाव दो पर लगता है तो प्रक्रम पीछे, जबकि हमें तो आगे बढ़ाना है, आगे दाब कम कर दो आगे चला जाएगा, उल्टा कर दो, आंसर सी आ गया। बोलो को डाउट हो तो आगे चलिए, चलिए। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते बेटा, क्लास को शेयर वेयर किया करो बेटा, यस, किसी को काम आ जाए, किसी का एग्जाम निकल जाए, अच्छी बात है ना। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ, ली चेटलियर प्रिंसिपल, ली सातल्य का नियम, ली सातल्य का नियम है किस पर लागू होता है, अच्छा क्वेश्चन है। भौतिक परिवर्तन रासायनिक साम्य दोनों पर लागू होता है, केवल रासायनिक साम्य पर लागू होता है, केवल भौतिक पर लागू होता है, और बी और सी दोनों के लिए लागू होता है, बी और सी, रासायनिक भौतिक, फिर बी और सी, भौतिक दोनों एक साथ, भौतिक रासायनिक, बताइए कौन सा आंसर आएगा भाई, क्या आंसर आएगा, क्या लगता है तुम्हें। देखिए साम्य घटनाएं जो होती है वो भौतिक में भी होती है, रासायनिक में भी होती है, और जो ली सेटलियर प्रिंसिपल है वो साम्य पर लगता है, किस पर लगता है, साम्य। अब साम्य में चाहे भौतिक हो चाहे रासायनिक हो, दोनों पर ही लागू होता है, भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के साम्य पर लागू होता है। आंसर करेंगे ए ऑप्शन, आंसर करेंगे बेटा ए, क्या बोलती जनता, क्या ए कर दे आंसर, क्या ए आंसर कर दे, यस बेटा ए आंसर आएगा इसका। आगे देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए सोच समझ के आंसर दीजिए, रिएक्शन लिखी हुई है, SO3 के निर्माण के लिए उचित कंडीशंस आपको बतानी है, 2SO2 प्लस O2SO3 क्यों आपको लिखना है, कैलोरी में बताना है आपको, कैलोरी एनर्जी बतानी है।
थैंक यू बेटा, बताइए। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आंसर कैसे देंगे वे एग्जाम? तो कंसेप्ट क्लियर करना मेरा काम है बेटा। देखिए बेटा, एसोत्री बनाना है। क्या बनाना है? एसोत्री बनाना है। एसोत्री कैसे बनेगा? एसओ टू को और ओ टू को मिलाएंगे तब एसोत्री बनेगा। और वहां प्लस में लिखने का मतलब क्यों लिखी हुई है? कैलोरी एनर्जी। कैलोरी में हमेशा ऊर्जा होती है या ऊष्मा होती है, तो ये ऊष्मा है, ये ऊष्मा है। ऊष्मा इधर लिखी हुई है किसके साथ? एसओ थ्री के साथ प्लस में लिखी हुई है। अरे आपके साथ प्लस में कोई चीज है? दो प्लस तीन मतलब दो के साथ में तीन भी है। ये तो हुआ ना, ये तो हुआ। इधर होता है रिएक्टेंट, इधर होता है प्रोडक्ट, इधर होता है रिएक्टेंट, इधर होता है प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट के साथ में ऊष्मा भी आ रही है। जहां ऊष्मा आती है, आती है, निकलती है, निकलती है, उसे ऊष्मा सेपी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऊष्मा सेपी कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे उसे। क्या कहेंगे उसे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे बेटा। ऊष्मा निकल रही है ना, अब बताइए जहां ऊष्मा निकल रही है, निकल रही है, उसे क्या ताप की जरूरत है क्या? जहां ऊष्मा खुद दे रहा है, खुद वगैरह ऊष्मा मेरे से ले जा, उसे ऊष्मा दोगे क्या आप? तो वहां पर बताना है आपको कि कौन सी कंडीशन में एसओ थ्री ज्यादा बनेगा। तो मैंने कहा ऊष्मा चाहिए नहीं, ऊष्मा नहीं चाहिए तो टेम्परेचर कम चाहिए ना फिर। तो ठंडा माहौल होना चाहिए। कैसा माहौल होना चाहिए? ठंडा ठंडा ठंडा, तभी तो बन पाएगा सब कुछ। दूसरा देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है? एसओ टू, यहां ओ टू और एसओ थ्री, ये कितने मोल है? दो मोल है। और यहां दो और एक, ये रहा तीन मोल है। तो बताइए तीन है दो, ज्यादा कौन है? तीन। तो प्रेशर किस पे लगता है? ज्यादा पे। तो ज्यादा पे लगने का मतलब है ज्यादा लगाओगे, दबाओगे तो इधर जाएगा वो, तो मतलब एसओ थ्री ज्यादा बनेगा। तो दबाने से ज्यादा बनेगा ना, तो दाब क्या चाहिए? उच्च। तो टेम्परेचर तो कम चाहिए और प्रेशर ज्यादा चाहिए, ये कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन रहेगी इसके लिए। फिर देखना चाहते हो एक बार और देख लीजिए, चीजों को समझिएगा बेटा, समझिएगा। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में यहां ऊष्मा लिखी हुई है किसके साथ? उत्पाद के साथ। जब उत्पाद के साथ ऊष्मा है तो उत्पाद बन रहा है, तो ऊष्मा भी बन रही है। जब ऊष्मा बन रही है तो ऊष्मा निकल रही है ना, बनने का मतलब निकलना ही तो हुआ, तो कैसी रिएक्शन हो गई? ऊष्मा सेपी। ऊष्मा सेपी का मतलब ऊष्मा नहीं चाहिए, ऊष्मा नहीं चाहिए भाई, ऊष्मा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बाबा, नहीं चाहिए। हम खुद निकाल रहे हैं, हमें काहे को ऊष्मा चाहिए? तो टेम्परेचर कर दो कम, कम कर दो भाई, कम कर दो, ठंडा कर दो, नहीं चाहिए ऊष्मा। इधर देखिए दो और एक तीन मोल, और इधर कितना मोल बना है? दो मोल बना है ना, तो दो मोल। अब दबाओगे आप, प्रेशर लगाओगे, दबाना कहते हैं, दोनों पर दबाव लगाना है। तो दबाव जल्दी किस पर लगेगा? तीन पर लगेगा, बड़े गुब्बारे पर लगेगा। तो बड़ा गुब्बारा छोटे में चला जाएगा, जाएगा इधर। ये तो बनाना है, ये तो कह रहा है क्वेश्चन कि इन द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन एसओ टू एसओ थ्री बनाना है आपको, और यहां आपको मोस्ट सुटेबल कंडीशंस फॉर हाईली प्रोडक्ट ऑफ एसओ थ्री बनाना है। तो एसओ थ्री बनाने के लिए दबाना होगा, दबाना मतलब दाब ज्यादा होना चाहिए, दाब को ज्यादा कर दो, उच्च बोलते बेटा उच्च। और टेम्परेचर कम कर दो तो निम्न। ऑप्शन देखिए, दबाव उच्च होना चाहिए और टेम्परेचर निम्न होना चाहिए। उच्च ताप नहीं चलेगा, उच्च ताप नहीं चलेगा, कम ताप चलेगा, उच्च ताप चलेगा। सी इज द राइट ऑप्शन। कम ताप और कम दाब, कम ताप चलेगा पर दाब तो ज्यादा बढ़ लगा हो ना भाई। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्या बोलते हो, क्या बोलती है जनता हमारी? वेरी गुड बेटा राकेश, हरिओम, यस बसंती, वेरी गुड बेटा। चलिए आप क्लास को, अपने मेट्स को शेयर कर सकते हो बेटा। आपके जो भी क्लासमेट्स है, जिनको भी एग्जाम देना है सीयूटी आईसीआर का आने वाले फ्यूचर्स में, 50 दिन बचे हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, किसी को करवाना चाहते हो, किसी का भला करना चाहते हो, तो उसको क्लास जरूर शेयर कर दे इसमें। हाँ, मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, ओके। जब सामी निकाय बर्फ से जल बनाता है तो दाब डाला जाता है, तो निम्न में से कौन सी बात, कौन सी बात होगी, कौन सी बात होगी बताइए? अगर आपने बर्फ से जल बनाया और दबाव लगाया तो बताइए, बताइए क्या होगा? अधिक जल बनेगा, सामे पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, जल H2O2 में टूट जाएगा, या अधिक बर्फ बनेगी?
अच्छा क्वेश्चन है, गजब वाला क्वेश्चन है, शानदार, इन फ्यूचर में आने वाला क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस वाली चीज है, ये हर कोई ध्यान नहीं देता इसको। हाँ, अगर आपने बर्फ से पानी बनाया और उसको दबा रहे हो तो दबाव बर्फ पर ज्यादा लगेगा कि जल पे? जिस पर ज्यादा लगेगा वो दूसरे में चला जाएगा, जिस पर ज्यादा लगेगा वो दूसरे में चला जाएगा। आंसर बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कंसेप्ट पकड़ में आ गया तो हो गया भाई, हो गया, हो गया जी, हो गया, हो गया जी, हो गया। अब मैं अपनी एक बात से मुकरने वाला हूं। मैंने कहा था दाब केवल गैसों पे लगता है, पर दबाव बहुत ज्यादा हो तो सॉलिड पे क्यों नहीं लगेगा भाई? फट नहीं जाएगा वो, टूट नहीं जाएगा पत्थर? दबाव लिमिटेड हो तो चलता है, पर दबाव लगा रहे हो ज्यादा तो पानी पर भी लगेगा और फिलहाल अभी बर्फ पर भी लगेगा। मैं कैसे समझाता हूं, कैसे, सुनिए सुनिए। बर्तन आपने कंटेनर फिक्स रखा, एक बर्तन को भर लिया पानी का, तो जिसको पानी का भरा है वो बर्तन उतना ही बर्फ का रहेगा ना, छोटा बड़ा थोड़ी हो जाएगा बर्तन। पर आपको बताऊं मैं, आपको बताऊं मैं, जब पानी से बर्फ बनता है तो पानी में जो H2O के मॉलिक्यूल्स है, H फॉर्मूला होता है H2O, H2O, ये आपस में बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाता है, यानी एक H2O का अणु इस प्रकार बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड बनाता है ऐसे, ठीक है, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स इस टाइप की बॉन्ड बनाता है, बीच में गैप हो जाता है, उस गैप में हवा भर जाती है, हवा, हवा, वायु, हवा भर जाती है। और देखा हो आपने कभी बर्तन में कभी बर्फ को जमाया, पानी को जमाया है, बर्फ बनाया है, तो उस बर्तन में जब आपने पानी डाला था तो उस किनारे तक था, परंतु जब बर्फ का जब देखा आपने फोम, तो बर्फ किनारे के ऊपर तक निकला हुआ था। एक्स्ट्रा कहां से आ गया? आप सोचते हो फ्रीज से मिल गया, गैस से मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। जब बर्फ बनता है पानी का तो बर्फ बड़ा होता है, पानी के बजाय बर्फ का आयतन ज्यादा होता है, बीच में से खाली रह जाता है ना वो। अब सुनिए आप, यानी ये समझिए, पानी से जब बर्फ बना तो बर्फ मोटा हो गया, तो बताओ दबाव किस पर ज्यादा लगेगा? मोटे पर लगेगा ना, तो मोटे पर दबाव मतलब दोनों पर लगा रहे हो फिलहाल, समझना, तो मोटे पर लगने का मतलब मोटा मतलब बर्फ है, दबा रहे हो तो बर्फ किस में चला जाएगा? पानी में ना, पानी में, अरे पानी में जाएगा नहीं जाएगा, पानी में चला जाएगा भाई, पानी में चला जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, हाँ, तो पानी में चला जाएगा मतलब अधिक जल बनेगा, वाह जी वाह, अधिक पानी बनेगा दबाने से, दबाने से पानी बनेगा, इसीलिए दबाने से बर्फ पिघल जाती है, इसीलिए दबाने से बर्फ पिघल जाती है। बेटा राकेश, बेटा सही आंसर आपका। कोई दिक्कत नहीं बेटा, हाँ, सबको लाना बेटा, समझे बात को? यस। तो यहां पर जब बर्फ को दबाओगे तो बर्फ मोटा है, दबेगा जल्दी, मतलब उस मोटे पर दबाव ज्यादा लगता है, वो बेचारा डर से, दबाव के डर से पानी में चला जाएगा। यस यस यस, ये बर्फ पर ऐसा लगता है, तो आंसर ए आएगा। क्या आंसर आया भाई? ए आंसर आएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाइए भाई, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रासायनिक साम्य है, उसमें ए और बी को मिलाकर सी डी बनाया गया है, सी डी, यस, साम्यावस्था प्राप्त हो चुकी है, आपको बताना है क्रिया को आगे की दिशा में बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा जी, क्या करना होगा? देखिए कुछ भी चीजें रटी नहीं जाती, समझनी पड़ती है सभी को, तो कंसेप्ट को समझ लीजिए, आप कभी नहीं चूक सकते आंसर को सही करने से, पता ही गलत नहीं होगा आपका आंसर, कंसेप्ट को समझा रहा हूं बेटा मैं, यस बेटा, कंसेप्ट समझा रहा हूं बेटा मैं, कंसेप्ट फोकस कीजिए भाई, कंसेप्ट फोकस कीजिए भाई, करिए करिए, कंसेप्ट फोकस कीजिए। क्या हुआ? देखिए ए बी को मिलाकर सी डी बनाया, इधर कितने मोल है? दो मोल। इधर कितने मोल है? दो मोल। जब मोल बराबर होते हैं तो दबाव नहीं लगता, जब मोटाई बराबर है, साइज बराबर है, तो दबाव नहीं लगता। अब प्लस में उष्मा है, इधर प्लस में उष्मा का मतलब क्या है सर? उत्पाद के साथ उष्मा है। अगर जब भी उत्पाद के साथ उष्मा लिखी हो
इसका मतलब उष्मा निकल रही है, तो उष्मा निकलने का मतलब उष्मा सेपी क्रिया हुई ना, उष्मा सेपी का मतलब उष्मा नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो टेम्परेचर कम चाहिए कम चाहिए कम चाहिए, ठंडा कर दो ठंडा कर दो ठंडा कर दो। ठीक है, तो देखिए क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा, टेम्परेचर कम कर दो कम कर दो कम कर दो, ये करना होगा ना, टेम्परेचर कम कर दो कम कर दो कम कर दो। ये लो जी आंसर ही आ गया, आंसर ही आ गया जी, आंसर ही आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हार्दिक बेटा गुड इवनिंग, राम निवास गुड इवनिंग। सी आ गया आंसर भाई, सी आ गया जी, सी आ गया, सी। सभी का स्वागत है, नए हो या पुराने हो, हमारे हो बस, है कि नहीं, हमारे स्टूडेंट हो आप अभी फिलहाल तो, है ना, हमसे पढ़ रहे हो तो हमारे स्टूडेंट हो अभी तो, सिखाकर छोड़ेंगे आपको। आगे चलिए 63, यस, कुछ कंसेप्ट हो सकते हैं आपको नहीं लगेंगे, वो तो थोड़ी पढ़ रखी है मेरे से, तो वो थोड़ा सा उनको आसानी समझ में आ जाएगा, इतना सा फर्क है पर आ जाएगा। अब देखिए कुछ देर पहले 5 मिनट पहले मैंने लास्ट अदले प्रिंसिपल पढ़ाया, वो समझ में आया, उष्मा सोसी उष्मा से भी पढ़ाया, वो समझ में आया, तो आज क्वेश्चन कर पा रहे हो आप। आगे देखिए क्या लिखना है, लीच एटलियर प्रिंसिपल के अनुसार ठोस से द्रव निकाय को उष्मा देने पर होगा या होगी, पर होगी, पर होगी क्या, लीच एटलियर प्रिंसिपल सिद्धांत के अनुसार ठोस द्रव निकाय को उष्मा देने पर होगी, क्या होगा बेटा बताइए क्या होगा, प्रक्रम क्या लिखा हुआ है, ठोस से द्रव बना रहे हो ना आप, अरे भाई कोई चीज जमी हुई है, ठोस ठोस जमी हुई, ठोस ठोस जमी हुई, और उसको आपने पिघला दिया, उसको आपने पिघला दिया, तो पिघलता कब है कोई, गर्म करने पर पिघलता है भाई, अरे गर्म करने पर पिघलता है, तो उष्मा देनी होती है, बिल्कुल देनी होती है, तो क्या होगा बताइए, अगर आपने ठोस से पानी बना रहे हो और उष्मा देने पर क्या होगा, तो पानी जल्दी बनेगा ना, अरे किसी चीज को गर्म करोगे, गर्म करोगे भाई, गर्म करोगे तो पिघल जाएगा वो, तो गर्म किया जी, गर्म किया जी, ठोस को गर्म किया तो पानी बन गया, तो भाई द्रव बनेगा ज्यादा, द्रव बनेगा ज्यादा, ठोस की मात्रा में कमी, बिल्कुल ठोस हो जाएगा कम, द्रव बन जाएगा ज्यादा, द्रव कम नहीं बनेगा, द्रव तो ज्यादा होगा जी, अरे ज्यादा होगा जी ज्यादा, ताप में कमी काय को कर रहे हो, उष्मा दे रहे हो ना, देने पर, देने पर होगी, क्या होगी, देने पर ठोस पिघल जाएगा, ठोस पिघल जाएगा और पानी बन जाएगा, अरे बन जाएगा जी बन जाएगा, ठीक है ओके, अब उष्मा दे रहे हो ताप तो बढ़ी रहा है, पर ठोस की मात्रा कम हो जाएगी, पानी बन जाएगा, पानी बन जाएगा, डी नहीं, आंसर यहां पर करेंगे बेटा ए, ए ए ए, ताप में कमी कैसे हो जाएगी भाई, उष्मा दे रहे हो भाई तुम, अरे उष्मा तो दे रहे हो, ये पूछा उष्मा दे रहे हो तो क्या होगा, हाँ जी क्या होगा, उष्मा दे रहे हो ना तुम, तो देने पर क्या होगा जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है आगे देखिए, आगे देखिए, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, यस जी यस, ये लो जी का लिखा हुआ है, ए को बी से मिला दिया सी ओ बन गया जी, आपको बताना है क्यों, किलो जूल ऊर्जा, किलो जूल ऊर्जा, क्यों क्यों, किलो जूल ऊर्जा, हिंदी में लिखा हुआ ना, किलो जूल ऊर्जा, जूल उष्मा लिखी हुई है ये उष्मा, तो ए बी को मिलाया तो सी बना और क्यू बना, सी बना और क्यू बना जी, सी बना और क्यू बना, सी बना और क्यू बना, उष्मा बनी है, उष्मा बनी है, बनी है, बनी है, बनी है, निकल रही है उष्मा, मतलब यहां निकल रही है उष्मा, निकलने का मतलब सेपी है, सेपी मतलब उष्मा नहीं चाहिए जी नहीं चाहिए, उष्मा नहीं चाहिए मतलब टेम्परेचर कम चाहिए जी कम चाहिए, ताप कम चाहिए जी कम चाहिए, ओके सर आगे चलिए, ताप तो चाहिए कम, दूसरी बात, एक मोल गैस का, दो मोल गैस के और बन रहा है एक मोल, तो इधर है तीन मोल, इधर है कुल मिला के तीन मोल और इधर है एक मोल, बताओ जी तीन से एक में जाना है, जाना है सर, दबा दो, डर के चला जाएगा, दबा दो, दबा दो मतलब उच्च दाब कर दो, दबाव कर दो जी उच्च, दबाव कर दो जी उच्च, और टेम्परेचर कर दो जी कम, टेम्परेचर कर दो जी कम, टेम्परेचर कर दो कम, उच्च ताप नहीं चलेगा, उच्च ताप नहीं चलेगा, कम ताप चलेगा और दाब कर देगा उच्च, बिल्कुल चलेगा जी, सी ऑप्शन राइट होगा जी, एट ए लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर सही रहेगा जी, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल आंसर सही है राकेश, बिल्कुल हार्दिक, आया ना समझ में बेटा,
यस हरिओम, मेरा सही आंसर आपका सी आंसर इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल कंसेप्ट समझ गए आप। आगे देखिए। दाब बढ़ाने से उत्पाद की उपलब्धि निम्न में से किस क्रिया में बढ़ती है? उपलब्धि मतलब होता है मात्रा का बढ़ना, उत्पाद की उपलब्धि, उत्पाद का बढ़ना, उत्पाद ज्यादा मिलना, तो उत्पाद बनाना है ज्यादा, उत्पाद बनाना है ज्यादा, दाब बढ़ाने से उत्पाद बनाना है ज्यादा। आइए दाब का इफेक्ट देखते हैं। इधर एक मोल, इधर एक मोल, कितना है? दो मोल। और बन भी कितना है? दो मोल। जब दोनों तरफ बराबर मोल होते हैं, जब दोनों तरफ बराबर मोल होते हैं तो दबाव का प्रभाव नहीं पड़ता। आइए इधर एक मोल, इधर एक मोल, कितना मोल जी? दो मोल जी। इधर एक मोल, इधर एक मोल, कितना मोल जी? दो मोल। दबाव का प्रभाव फिर नहीं पड़ रहा है? नहीं पड़ेगा जी, नहीं पड़ेगा। इधर देखिए एक मोल, इधर सॉलिड, कोई दबाव लगेगा ही नहीं, तो इधर हो गया एक मोल, और इधर एक और एक दो मोल। सॉलिड का दबाव नहीं होता बेटा, सॉलिड को इंक्लूड नहीं करते। एक मोल और ये तीन मोल, या तीन है बेटा, चार मोल हो गए कुल मिला के। इधर एक और इधर एक, दो मोल। अरे आगे लगता है ना ये वाला स्टाइकोमेट्रिक, इसको गिन रहा हूं मैं, इसको एक एक नहीं लगा है तो एक तो है ही। अरे नहीं लगा है तो बाबा एक तो है ही, दो है तो दो है, देखो एक है तो एक है, यहां एक है तो एक है, यहां तो नहीं लिखना है, इसमें एक है, ये तीन है, चार हो गए, चार इधर दो। दबाओगे चार डर के दो में जाएंगे, दबाएंगे चार डर के दो में जाएंगे, दबाएंगे आगे जाएगा, दबाने से आगे जाएगा ये। सर इसमें देखो ना ऊपर बेटा, दो है इधर एक है, दबाव दो पर लगता है एक पर, तो दो पर ज्यादा लगता है, तो दबा दो, बोलो दबा दो, तो पीछे आ जाएगा दो, बेचारा डर के एक में आ जाएगा, दबाने से पीछे। दाब लगाओगे तो पीछे पीछे चलेगा ये वाला तो। और इसमें देखो चार जने दो में भाग जाएंगे, तो दबाव को बढ़ा दो, दबाव को बढ़ाने पर आगे जाएगा, और इन पर तो बराबर बराबर है, दो जने दो जने, दो जने दो जने, तो दबाव का चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो, दोनों पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, साम्य वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई दिशा में नहीं जाएगा। क्वेश्चन ये था, दाब बढ़ाने से उत्पाद ज्यादा बनेगा, ज्यादा तो आगे जाने पर बढ़ता है ना, आगे जाने पर बढ़ता है ना, तो दबाव बढ़ाया तो आगे गया। कौन सा ऑप्शन आया भाई? डी। कौन सा ऑप्शन आया? डी आया जी, डी आया। वेरी गुड बेटा, हरिओम हार्दिक बेटा, राकेश वेरी गुड, गजब, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बेटा आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आएंगे बेटा आएंगे, ठीक है बेटा। यस बायोलॉजी की एमसीक्यूज क्लासेज लगती है क्या? हाँ बेटा, बायोलॉजी की भी स्टार्ट हो जाएगी, बायोलॉजी की भी लगती है, एजी की भी लगती है, सभी सब्जेक्ट की लगती है, ठीक है। एक एक घंटे की क्लासेज लगती है बेटा डेली, यस। तो ये टाइमिंग था आपका केमिस्ट्री का, यस बेटा, टाइमिंग रहता है 6:15 से, अगर टाइम चेंज किया तो बता दिया जाएगा आपको, है कि नहीं। फिलहाल अभी 6:30 से क्लास लगती है, 7:15 के बीच में अभी टाइम अपना ओवर होता है। आज अपने केमिस्ट्री में इक्विबेरियम पढ़ा है, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे कल, आइए कल इसी टाइम पे आप, ठीक है, तैयार होके पढ़ के, ठीक है, तो रिवाइज फिर करेंगे चीजों को, और एमसीक्यूज के माध्यम से अपन प्रैक्टिस को और भी अच्छी बनाएंगे बेटा। ओके आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद जय राजदेव।